आज हम लोगों ने इलाहाबाद के सुभाष चौराहे से कैंडल मार्च जुलूस निकालकर और हम लोग कैथेड्रल तक गए, कैथेड्रल से फिर वापस सुभाष चौराहे तक आए और एक संदेश देने का काम किया गया पूरे उत्तर प्रदेश के आवाम को, पूरे हिंदुस्तान के आवाम को, कि जो कासगंज में हिंसा भड़की है उस हिंसा को रोकने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। वर्तमान समय की जो सरकारें हैं, सरकारें कहीं ना कहीं हिंसा फैलाने का काम कर उसको रोकने का उचित कदम नहीं उठा रही है, जिससे कि हिंदुस्तान की अखंडता को ठेस पहुंची है और हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में लड़ रहे हैं, जिससे कि हिंदुस्तान का विकास नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी वर्गों के लोगों का विशेष यहाँ पे समावेश है, जिससे हिंदुस्तान है और जिसकी ख्याति पूरे विश्व में फैली है, उस ख्याति को बचाने के लिए, इस संपूर्ण हिंदुस्तान की अखंडता को बचाने के लिए आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी छात्र और छात्र संघ के लोग इलाहाबाद में सुभाष चौराहे से लेकर कैथेड्रल तक और कैथेड्रल से सुभाष और कैंडल मार्च निकालकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को चेतावनी दिए हैं कि हिंसा को जल्द से जल्द रोकिए, अन्यथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नौजवान हिंसा को रोकने के लिए चुप बैठने वाला नहीं। देखिए आज यहाँ पे जो भारत में केंद्र और प्रदेश की सरकार है, जो बराबर नौजवानों को धन और जाति के नाम पे बांटने का काम कर रही है, जो मंदिर और मस्जिद पे बांटने का काम कर रही है, जो कब्रिस्तान और शमशान घाट पे बांटने का काम कर रही है, उसके विरोध में आज हम सब नौजवानों ने, हिंदू लड़कों ने अपने माथे पे टीका लगा के और मुसलमान लड़कों ने अपने माथे पे टोपी लगा के ये संदेश देने का काम किया है कि भारत का नौजवान धर्म और जाति के नाम पे लड़ाई नहीं करना चाहता है, वो आपस में नहीं बढ़ना चाहता है। आज के नौजवान को रोजगार चाहिए, आज के नौजवान को क्या कहते हैं पढ़ने के लिए अच्छी सुविधाएं चाहिए, जो केंद्र और प्रदेश की सरकार नहीं कर रही है। मोदी जी कहते हैं कि नौजवान पकौड़ा बांटेगा, क्या हम लोग पढ़ते लिखते हैं पकौड़ा बांटने के लिए? तो आपसे निवेदन है कि जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में जो दंगा हो रहा है, जो हिंदू और मुस्लिम के नाम पे, उसको बंद कराने का आप काम कराइए और हम लोगों को भारत में सुरक्षित महसूस करने का काम कराइए। कृपया हमारे चैनल को